कोरोना के चलते पिछले साल लगे लॉकडाउन के वक्त काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था हम सभी के लिए। ऐसे में दूरदर्शन हमारे लिए महाभारत और रामायण जैसे पुराने सीरियल को एक बार फिर वापस ले आया, जिसे देखने के लिए पूरा परिवार फिर से साथ में बैठकर इसका लुत्फ उठाने लगा। महाभारत में बहुत से किरदार हैं, जिनमें से एक किरदार है इंद्रदेव का, और इंद्रदेव का किरदार निभाया था एक्टर सतीश कौल ने। दुख की बात यह है कि इंद्रदेव का किरदार निभाने वाले सतीश कौल 10 अप्रैल के दिन दुनिया छोड़कर चले गए, और इसका कारण रहा कोरोना वायरस। सतीश जी के जाने के बाद युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने एक स्टेटमेंट देते हुए सतीश कौल के बारे में कुछ कह डाला। उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके लिए आपको देखनी होगी मेरी ये वीडियो लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार का एंटरटेनमेंट चैनल। गजेंद्र चौहान एक जाने माने टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर हैं। उनका सबसे लोकप्रिय रोल हमेशा से ही महाभारत में युधिष्ठिर का रहा है। हाल ही में सतीश कौल, जो उनके साथ महाभारत में इंद्रदेव का किरदार निभाते थे, उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। वह लंबे समय से कोरोना से जंग लड़ रहे थे, मगर आखिर में जीत कोरोना की ही हुई। सूत्रों की माने तो वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इसलिए वह अपना अच्छे से इलाज ना करा पाए। उनके साथ महाभारत में काम कर चुके गजेंद्र चौहान ने एक इंटरव्यू में उनका जिक्र करते हुए कहा कि एक्टर सतीश कौल का निधन हमारे लिए एक सबक है, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। वे बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान थे। हमने साथ में काम जरूर किया, मगर पिछले कुछ सालों से वह गुमनामी में जी रहे थे। अपनी बात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हमें कभी कभी मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि वह बीमार हैं। वे पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार थे, वह 300 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके थे और जाने माने प्रोडक्शन हाउसेस में उनके अच्छे संबंध भी थे। कोविड के चपेट में आके वह हमें छोड़कर चले गए, यह हमारे लिए क्षति है। गजेंद्र जी ने आगे कहा कि सतीश कौल ने अपनी जिंदगी में काफी तरक्की देखी, जबरदस्त पैसा और ग्लैमर देखा, मगर गिरते समय में उनका किसी ने साथ नहीं दिया। ऐसी हालत में होने के बावजूद भी उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी इंसान थे। सतीश जी के इस तरह चले जाने के बाद मैं यही कहूंगा कि हर इंसान कि चाहे वह किसी भी काम या व्यवसाय से जुड़ा हो, उसे अपना अच्छा समय फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहिए। हर किसी को कभी ना कभी ऐसे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी संस्थान किसी की मदद एक या दो बार कर सकती है, बार बार नहीं। हम जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, वह व्यवसाय ही उतार चढ़ाव वाला है। आज के लिए इतना ही। मैं गगन मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से अब लेता हूं आपसे विदा। फिल्मों संगीत से जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊंगा एक और मजेदार खबर के साथ, तब तक के लिए बाय।